हेलो एवरीवन, आज हम कूप सेल्स की जो एप्लीकेशन है उसका डेमो देखेंगे। आपको एप्लीकेशन में जाना है, फिर आपको कूप्स की एक स्क्रीन दिखेगी। उसके बाद आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपकी कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया होगा वो मेंशन करना है। इन केस आप आपका पासवर्ड चेक करना चाहते हैं, अगर आपने सही मेंशन किया है या नहीं, तो आप आई का जो आइकन है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं आपका पासवर्ड सही है। देन आपका आप देख सकते हैं रिमेंबर मी के पास एक चेक बॉक्स है, अगर आप उसे चेक्ड रखते हैं तो आपका जो ये ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो सॉफ्टवेयर रिमेंबर कर लेगा, ताकि आपको बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क स्टॉप का जो ये सिम्बॉल दिखेगा, उसका मतलब आपका जो डिवाइस है अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है बाय कंपनी, जिसे एक्टिवेट करने के लिए आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कॉल करके। जैसे ही आपका डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा आप साइन इन कर सकते हैं। लेट्स सी इफ आपका डिवाइस एक्टिवेट हुआ है या नहीं कंपनी के थ्रू। अगेन साइन इन, यस इट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। अब आप सिंकिंग देखा आपने, वो आपका जो सारा डेटा होगा सर्वर से वो इसमें सिंक हो गया। अब आपके पास जो स्क्रीन आई वो कस्टमर की स्क्रीन है, जिसमें उसका नेम, कोड और उसका जो लोकेशन है उसकी डिटेल्स आपको दिखेगी। जो सारे आपके कस्टमर्स होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको। अगर आप कोई पर्टिकुलर कस्टमर के रिलेटेड सर्च करना चाहते हैं, लाइक केवलम सॉफ्टवेयर, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं केवलम एंड सर्च, तो आपका केवलम सॉफ्टवेयर जो कस्टमर है उसकी डिटेल्स आपको दिखेगी। अगर आप उसका कोई ड्यू अमाउंट रहेगा वो भी आपको दिखेगा। इन केस अभी आप राजकोट विजिट पर हैं और आप चाहते हैं राजकोट के कस्टमर से मिलना चाहते हैं और आपको वो सारे कस्टमर्स की डिटेल चाहिए बिकॉज आपको उनको मिलना है, तो राइट हैंड साइड में जो बार का आइकन है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एरिया सर्च कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं राजकोट सर्च। जैसे ही आप ये फिल्टर अप्लाई करेंगे, आपको जो सारे कस्टमर्स होंगे वो सारे राजकोट के ही मिलेंगे। इतने सारे जो 6 कस्टमर्स हैं, 5 कस्टमर्स वो सारे राजकोट के हैं, उसके साथ आपको ड्यू अमाउंट जो भी कस्टमर का रहेगा वो भी आपको दिखेगा। सपोज़ अभी आप केवलम सॉफ्टवेयर जो कस्टमर है उनसे मिलने जा रहे हैं, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स आपके सामने आ गई, उनका नंबर, ईमेल, ड्यू अमाउंट जो भी है वो। अब आप कॉल, ये जो 4 आइकन्स हैं उसमें से आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सपोज़ आप कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप वो कस्टमर को कॉल कर सकते हैं। देन अगर आप उन्हें मैसेज करना चाहते हैं तो आप मैसेज पे क्लिक कर सकते हैं, आप मैसेज टाइप कर सकते हैं अपना। देन अगर आप उनको ईमेल कुछ सेंड करना चाहते हैं तो आप ईमेल वाले आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, आप उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं इस तरह। अगर आप उनकी कोई डिटेल्स है वो आप एडिट करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं उनके नेम में या किसी में, तो आप पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके कर सकते हैं। देन आपका स्टार्ट टाइमर, अगर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है, पेमेंट कलेक्शन करना है, जो भी करना है, आपको आपका टाइमर स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप टाइमर स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो विजिट जो है वो काउंट नहीं होगी कंपनी के थ्रू, इसलिए आपका टाइमर स्टार्ट करना इज़ वेरी मच नेसेसरी, सो दैट आपकी विजिट है वो कंपनी काउंट कर सके, आपकी विजिट कंसिडर हो सके। आप स्टार्ट टाइमर कर सकते हैं, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज़ हाउ यू स्टार्टेड योर टाइमर। आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं उस कस्टमर का, तो आप प्लेस न्यू ऑर्डर पर जा सकते हैं। उसके बाद आपको जो सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मिलेगी। सपोज़ यू वांट टू सिलेक्ट कोई कैटेगरी के थ्रू आप जाना चाहते हैं, तो राइट हैंड साइड में जो बार का आइकन है उस पर क्लिक करके आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी। सपोज़ शूज़ का कैटेगरी यू वांट टू अप्लाई, तो उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं ये फ़िल्टर। तो ये जो सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो गई ये सारी शूज़ कैटेगरी की हैं। उसमें आपका गर्ल्स, बाबी गर्ल्स जो है वो प्रोडक्ट आप प्लेस करना चाहते हैं, तो यू कैन गिव एनी मच क्वान्टिटी जो भी आपके कस्टमर ने आपको रिक्वेस्ट करी है वो आप ऐड कर सकते हैं। सपोज़ से 10, देन और भी अगर कोई प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स में से, सपोज़ एसेंस, तो आप वो सर्च कर सकते हैं। दिस वे आप क्वान्टिटी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगेन से 10।
और आप यहाँ पे जो आपको राइट का जो सिंबल है बॉटम में, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपके पास जो स्क्रीन आएगी वो आपके ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए होगी, जिसमें आपकी सारी समरी होगी, आपने दो ऑर्डर्स प्लेस किए, उसका टोटल अमाउंट जो है 9000 वो आ गया। अगेन यू वांट टू ऐड एनी मोर प्रोडक्ट, अगर आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो आप बैक पे जा करके वापस कोई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। सपोज से ड्योरा गर्ल्स फैशन सैंडल, उसकी 5 क्वान्टिटी चाहिए तो आप वो ऐड कर सकते हैं, अगेन राइट आइकन पे। अब आप देख सकते हैं आपकी प्रोडक्ट्स भी अपडेट हो गई, देर आर 3 प्रोडक्ट्स, 12,500 आपका अमाउंट हो गया। अगर आप कोई प्रोडक्ट इसमें से डिलीट भी करना चाहते हैं, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सपोज से एसेंस बॉयज़ की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप वो डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे डिलीट आइकन पे क्लिक करके लाइक दिस। अगेन आपकी क्वान्टिटी अमाउंट वो सब अपडेट हो गया, जस्ट 7,500। अब आप ये ऑर्डर कन्फर्म करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ऑर्डर की डेट भी देख सकते हैं, कस्टमर भी देख सकते हैं, सब एवरीथिंग इज़ करेक्ट। नाउ यू वांट टू कंफर्म दिस ऑर्डर, तो आप राइट पे क्लिक कर सकते हैं, जिस वे आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अगर आपका कोई कलेक्शन पेमेंट जो है आप वो कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उस पे क्लिक कर सकते हैं कलेक्ट पेमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यू अमाउंट 10,000, उसमें से अगर 5,000 आपने पेमेंट कलेक्ट करी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। कस्टमर नेम, डेट आप यहाँ पे आ गई, सपोज इट इज़ 5,000, और पेमेंट आपका चेक टाइप जो पेमेंट है वो चेक है या कैश है, सपोज कैश। आप कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं, फिर अगेन राइट पे क्लिक करके आप ये पेमेंट ऐड कर सकते हैं, दिस वे यू हैव सेव्ड योर पेमेंट। अगर कस्टमर आपका कोई रिपोर्ट्स मांगता है, लाइक उसके कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं या जो भी उसका डिस्पैच जो है वो अभी पेंडिंग है वो देखना चाहता है, तो आप कस्टमर रिपोर्ट्स पे जा सकते हैं, उस पर अगर उसे जानना है कि उसने कितने ऑर्डर किए और कितने का डिस्पैच पेंडिंग है, तो आप पेंडिंग डिस्पैच पे जा सकते हैं, उस पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जो भी ऑर्डर जो डिस्पैच करने का है वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यू कैन सी दिस बीटर जो 235 क्वान्टिटी में ऑर्डर हुआ था, डिस्पैच क्वान्टिटी इज़ ओनली 210, 25 अभी भी डिस्पैच करने का रह गया है, तो वो आप देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी ऑर्डर रिपोर्ट, कस्टमर ने जो सारे ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, कौन से कौन सी डेट तक, फ्रॉम से टू डेट तक जो भी ऑर्डर्स हैं, अगर वो जानना चाहता है तो वो आप वो रिपोर्ट देख सकते हैं जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करके। इसमें सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आ जाएंगी, जो भी सारे प्रोडक्ट होंगे, कितनी क्वान्टिटी में उसने ऑर्डर किया है और उसका टोटल अमाउंट, वो सारा आपको दिखेगा। दिस इज हाउ आपने प्रोडक्ट प्लेस कर दिया, पेमेंट कलेक्ट कर दिया, कस्टमर रिपोर्ट देख लिया। अब आपका यहाँ से, आप यहाँ से इस कस्टमर के साथ आपका ना काम कंप्लीट हो गया है, तो आप स्टॉप टाइमर कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टॉप टाइमर करेंगे, आपको फीडबैक के लिए पूछा जाएगा, आपको आपका फीडबैक देना है, लाइक आपने कोई प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया है कस्टमर से, वो आप कंपनी को इन्फो देना चाहते हैं, तो आप वो ऐड कर सकते हैं, गिव description of this product, like वे आप submit करेंगे तो आपका जो feedback है वो submit हो जाएगा। ये हमने customer का समझ लिया। अब हम order में जाएंगे। order में जैसे ही आप जाते हैं, आपको सारे जो ऑर्डर्स आपने प्लेस किए हैं कोई भी कस्टमर के थ्रू, वो आपको सारे दिखेंगे विद कस्टमर डिटेल्स, डेट एंड अमाउंट। कोई भी आप प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको उसकी डिटेल्स दिखेंगी, उसकी प्रोडक्ट डिटेल्स होंगी, अगर डिस्पैच किया होगा तो वो भी दिखेगा। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, सपोज़ मुझे 66 नंबर का जो ऑर्डर है उसकी डिटेल्स देखनी है, तो आप जैसे ही यहाँ पर सर्च करेंगे, 66 आईडी वाला जो ऑर्डर है वो आपको दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसकी डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं, ऑर्डर की डिटेल्स हैं या डिस्पैच डिटेल्स हैं, आप वो भी देख सकते हैं, कौन सी डेट में डिस्पैच हुआ था, टोटल कितनी क्वांटिटी डिस्पैच हुई है, टोटल अमाउंट कितना है, वो सारी आप डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर आप पेमेंट कलेक्शन की डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो आप पेमेंट कलेक्शन में जाएंगे, आपने जो सारी पेमेंट कलेक्ट की है जो सारे कस्टमर्स से, वो आपको लिस्ट दिखेगा यहाँ पे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आप उसकी डिटेल देख सकते हैं, पेंडिंग अमाउंट, डेट, एवरीथिंग।
फिर आप यहाँ से फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में जो बार आइकन है वहाँ से फ्रॉम अमाउंट या पेमेंट टाइप डाल करके। अब आपको यूज़र एक्सपेंसेस का देखना है तो आप एक्सपेंस पे जा सकते हैं। अगर कोई एक्सपेंस होगा तो आप वो देख सकते हैं, अगर एक्सपेंस नहीं होगा तो देयर विल बी मैसेज लाइक देयर आर नो एनी एक्सपेंसेस। आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं कोई भी एक्सपेंस, लाइक लॉजिंग है या फिर ट्रैवलिंग, आपका जो भी एक्सपेंस होगा वो आप ऐड कर सकते हैं। ट्रैवलिंग आपका अमाउंट जो भी आपने ट्रैवलिंग पे आपका गया वो आप ऐड कर सकते हैं, फॉर सपोज 400। एंड आपकी नोट, अगर आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं आपका ट्रैवल कहाँ से कहाँ तक का था, तो यू कैन मेंशन लाइक राजकोट टू अहमदाबाद। और इसके साथ ही आप कोई अटैच करना चाहते हैं इमेज तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास कोई टिकट का इमेज है या कुछ भी है, आप वो देख सकते हैं। आप कैमरा के थ्रू क्लिक करके ऑन द स्पॉट ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके एल्बम्स में तो आप फ़ोटोज़ में जा सकते हैं, वहाँ से कोई भी इमेज है, सपोज दिस वन, एंड देन यू कैन सी दिस बॉटम में राइट का बटन, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। दिस वे यू हैव एडेड योर एक्सपेंसेस। इसमें भी आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं ऑफ फ्रॉम अमाउंट एंड एवरीथिंग। अब हम न्यूज़ का देखेंगे। अगर कंपनी के थ्रू कोई न्यूज़ होगी, कोई लेटेस्ट अपडेट होंगी, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है, तो इट शोज़ लाइक देर आर नो एनी न्यूज़। फिर आप मैसेज में जा सकते हैं। मैसेज में आप किसी कस्टमर को मैसेज करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। फॉर सपोज़ न्यू किचनवेयर को आपको कुछ मैसेज करना है तो आप यहाँ से हेलो करके टाइप कर सकते हैं। और उसके साथ ही आपको कोई इमेज या कोई फाइल अटैच करके उसको सेंड करनी है तो अटैच वाले आइकन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से कोई इमेज ले सकते हैं और वो भेज सकते हैं। दिस वॉज मैसेज। अब आप विजिट लॉग में जा सकते हैं और आपकी सारी जो भी लॉग विजिट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं पूरी विथ ड्यूरेशन और कौन सी डेट पे है वो और कौन से कस्टमर के साथ करी है आपने विजिट, वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू।